गाइज आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको लेसिक ट्रीटमेंट करानी चाहिए और क्यों नहीं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा क्यों आपको लेसिक ट्रीटमेंट करानी चाहिए और क्यों नहीं। इस वीडियो के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोज बना दिए हैं जहाँ मैंने अपना लेसिक का फुल एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसको आप इजिली वॉच कर सकते हैं। उन वीडियोज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, जहां आप उनको इजीली देख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो लोग लेसिक ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। और बिना टाइम वेस्ट करे चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि क्यों आपको लेसिक ट्रीटमेंट करानी चाहिए। तो देखो, चश्मा तो सभी हटाना चाहते हैं, बट चश्मा हटाने के सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। जैसे कि मेरे केस में हाई पावर होने की वजह से मेरे आंखों में दर्द रहता था और साथ ही मेरा स्क्रीन टाइम 8-10 घंटे था, तो इन दो रीजंस की वजह से मेरे आंखों में दर्द बहुत ही ज़्यादा रहता था। तो मेरे को हर कुछ देर में बार बार बर्फ़ का सेक करना पड़ता था, जो कि मेरे लिए एक ही बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी हो गई थी। तो इसलिए मैं चश्मा हटाना चाहता था, और चश्मा हटाने के बाद ये जो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली हट गई है, तो मुझे बार बार बर्फ़ का सेक नहीं करना पड़ रहा है। दूसरा रीज़न जो है, जो हर कोई चश्मे वाला फेस करता है, वो है कि जब आप बारिश में जाते हैं तो आपको बार बार चश्मे को इस तरीके से साफ़ करना पड़ता है। चश्मा नहीं हो गया, गाड़ी का वाइपर हो गया, जो हर एक सेकंड में आपको साफ़ करना पड़ रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि आपको चश्मा हटने के बाद नहीं फेस करनी पड़ेगी। और साथ ही चश्मे वाले जो हर कोई मैक्सिमम लोग करते हैं, वो इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं, तो वो भी आपकी कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी। तो इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा, जो आपको लिए बहुत ही इजी बना देगा आपकी लाइफ को। तीसरा पॉइंट जो है वो है कि जो मेरे लेंस की जो थिकनेस थी वो काफ़ी ज़्यादा मोटी थी, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो उसकी वजह से मेरा जो लेंस था वो काफ़ी मोटा दिखता था फ्रेम पे, और वो चेहरे पे बहुत ही बेकार लगता था। बट अब मैं कोई भी टाइप का फ्रेम पहन सकता हूँ विदाउट पावर के, और चाहे तो नहीं भी पहनना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम अब मेरे को फेस नहीं करनी पड़ती। लेसिक सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसा विजन मेरे को चश्मे के साथ दिखता था, अब सेम विजन मेरे को बिना चश्मे के दिखता है। चश्मे में आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती थी, जैसे कभी कुछ स्क्रैचेस आ गए, कभी डंडा टूट गया, कभी फ्रेम टूट गया। तो उसी समय जाओ और फिर सही करवा के आओ या फिर नया लेके आओ। एक साल के अंदर मैंने हजारों रुपये खर्च कर दिए चश्मे के, जैसे कि मैंने इतने चश्मे जमा कर रहे हैं सिर्फ एक साल के अंदर, हजारों रुपये मेरे बर्बाद हुए इस चीज़ में। तो अगर आप चश्मा हटा लेंगे तो आपको ये दिक्कत कुछ नहीं फेस करनी पड़ेगी कि बार बार स्क्रैचेज आ रहे हैं आपके, बार बार चश्मा बदलाने जाओ। एक बार आपको सही करवाना है अपना विजन, और उसके बाद पूरी ज़िंदगी भर आप मजे करो। अब बात करें लेसिक ट्रीटमेंट के नुकसान के बारे में। तो जो लेसिक सर्जरी है, या फिर बोले लेज़र सर्जरी जो है, वो आँखों को ड्राई कर देती है। तो जिसके वजह से डॉक्टर आपको अलग अलग ड्रॉप्स सजेस्ट करते हैं, जैसे कि मेरे केस में डॉक्टर ने मेरे को सिस्टेन अल्ट्रा सजेस्ट करी है, ये डालनी है मेरे को 6 बार, जो लास्ट टाइम अपॉइंटमेंट में डॉक्टर ने 4 टाइम के लिए कहा था, अभी बढ़ा के 6 टाइम कर दी गई है। और साथ ही एक जेल भी सजेस्ट करा है जो सोने से पहले डालना है मेरे को, यह आर्टिफिशियल टीयर्स बनाता है जो कि आँखों को ड्राई नहीं होने देता। तो ये सबसे बड़ा ये नुकसान है कि ये ड्राई कर देती है आँखों को लेसिक ट्रीटमेंट। लेसिक सर्जरी कराने के बाद आपको हेलो और ग्लेयर की प्रॉब्लम आती है, रात को नाइट ड्राइविंग में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो लाइट है वो अभी भी मेरे को फैली हुई दिखाई दे रही है। मैंने 2 नवंबर को सर्जरी कराई थी, बट अभी भी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है हेलो और ग्लेयर की। हालांकि जो अमाउंट है हेलो और ग्लेयर का वो कम हो गया है, बट फिर भी अभी भी काफ़ी मात्रा में मेरे को दिखाई दे रही है लाइट ऐसे फैली हुई। सो ये एक प्रॉब्लम मैंने हमेशा फेस करी है सर्जरी कराने के बाद। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।